हमारे पत्रकार साथियों, मुझसे बेहतर आप जानते हो, मुझसे बेहतर आप जानते हो, समाजवादी पार्टी हर संस्था का सहयोग करती है और कोई पहली बार नहीं हुआ है या पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। याद करो नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंदर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हो और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में। 10 साल के बाद भी इतने घबराए हुए लोग, और मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। अगर 2014 में आए थे तो उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में इन्हें बाहर कर देगी। क्या देश के लोगों की आंख थोड़ी बंद है? क्या देश के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा कि आप चंडीगढ़ के चुनाव को जीतने के लिए बैलेट पेपर पे क्या वोट डलवाए आपने? वोट को खराब किसने किया? अगर बैलेट से वोट ना पड़े होते और सीसीटीवी कैमरा ना होता तो वो भारतीय जनता पार्टी की चोरी और वोट की डकैती पता नहीं लगती। जो वोट की लूट पता लगी है वो बैलेट पेपर की वजह से बची है। क्या देश की जनता नहीं देख रही है कि हिमाचल में एक मुख्यमंत्री को FIR लिखवानी पड़ रही है? क्या ये परिस्थितियां आपने कभी पहले देखी होंगी? तो ये जो चीजें आप देख रहे हो, समन आना चुनाव से पहले, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह काम करते हैं। और आपसे बेहतर कौन जानता है? आपके कई चैनल हैं जो बिक गए, इन्हें भी सीबीआई आई थी जमाने में। बताओ वो चैनल बिक गए कि नहीं बिक गए? 80 में 80 हारेंगे इस बार, और तभी वो चिंतन करें कि सीटें बदली जाएं, एक के सिवाय वो भी सीट अपनी बदलना चाहते हैं। सर, सीबीआई के समन पर आपका जवाब सर, देखिए जब जहां से आपको सूचना मिली है कि समन किया गया है, वहीं से सूचना ले लीजिए कि मैंने जवाब क्या दिया है। ये समाजवादियों का काम नहीं है कि उससे लाभ उठाएं कि आपको सूचना दे दें कि हमने क्या जवाब दिया है। जिस जगह से आपको ये सूचना मिली है, समन आया है या सीबीआई ने हमें दिया, जब सीबीआई ने पहले समन किया, दूसरा किया, तो आपको हमारी तरफ से तो खबर नहीं मिली। जहां से भी आपको फीडबैक मिला है, जहां से भी आपको फीड किया गया है, वहीं से पूछ लो कि मैंने जवाब क्या दिया है। भाई मैंने जवाब दे दिया ना, ये काम हमारा नहीं है कि मैंने जवाब क्या दिया उसको लीक करें। ये लीक करने का काम बीजेपी करती है। आपको अभी भी नहीं पता था लीक में 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया? और मैंने फिर बताता हूं गणित, 60 लाख बच्चे जिनको आपने नौकरी देने का वादा किया था, नौकरी नहीं दे रहे हैं, जिनका पेपर लीक हो गया है, 60 लाख बच्चे, और केवल उनके माँ बाप, पिता पुत्र, पिता और माँ को अगर हम गणित लगा लें तो 3 × 60 लाख क्या हुआ? 1 करोड़ 80 लाख। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम डिवाइड कर दें 80 लोकसभाओं में तो 2,25,000 लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, वोट कम हो गया। ये घबराहट है बीजेपी को कि 1 लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया। किस मुंह वोट मांगेंगे? विधायक खरीद सकते हो, जनता नहीं खरीद सकते। विधायक को पैकेज दे सकते हो, विधायकों को पैकेज दे सकते हो। सर, एलएलबी का भी वीडियो बड़े लो रहे हैं, उसमें भी जो है लीक हो चुका है। अरे मैं तो कह रहा हूँ वो हर चीज लीक करते हैं, बीजेपी लोग हर चीज लीक करते हैं। सर, जो विधायक इधर से गए उधर सीबीआई के जरिए, वो भी हमारे पार्टी के लीक कर लिया उन्होंने, दो विधायक लीक कर लिए। वो चाहे देखिए, ऐसा है जो राम जी, प्रभु राम जी का दर्शन करने जा रहे हैं उन्हें किसी ने नहीं रोका। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, हमने कभी भी किसी को नहीं रोका। और चाहे कोई भी स्टेटमेंट दे रहा हो आपके चैनलों पर, आप वो रिवाइंड करिए, देखिए आर्काइव में होगा आपका वीडियो, जब प्रभु भगवान सालेग्राम पार्टी कार्यालय में आए थे तो बताओ हर विधायक ने पूजा की थी नहीं की थी? मैंने करवाई थी पूजा की नहीं करवाई थी?
बताओ करवाई थी कि नहीं करवाई थी, और प्रेस भी मैंने उन्हीं से करवाई थी, याद है कि नहीं याद है आपको? मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, आप जाइए प्रेस करिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है। अरे किसी ने नहीं रोका प्रभु की पूजा करने के लिए, आप जाइए जब चाहो तो पूजा करिए, किसने रोका है? अरे हम अपने लिए कह रहे हैं, हमने कहा कि जब हमें भगवान बुलाएंगे तब मैं जाऊंगा, और अगर भगवान नहीं बुला रहे तो मैं नहीं जाऊंगा। और फिर जब किसी का बुलावा आ जाएगा तो रुकोगे कैसे बताओ, अपने आप को बचाओगे कैसे अगर बुलावा आ गया? तो इसलिए ये बात कहना बीजेपी के सारे पर टीवी चैनलों को ये दिखाना कि हम रोक रहे थे, अरे भाई जिसका दाना उसका दाना, ये कोई नई चीज थोड़ी है, तो पुरानी बात है, जिसका दाना उसका दाना, जो दाना देगा वो आपसे कहलवाएगा कि क्या कहना है आपको। गठबंधन कमजोर हो रहा है क्या? लोग तो कौन सा कमजोर हो रहा है? इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और पीडीए परिवार मजबूत हो रहा है। सीबीआई के जरिए अखिलेश यादव जी की छवि खराब की जा रही है। नहीं, हमारी छवि इसलिए नहीं खराब होगी, हमारी छवि 20 साल से खराब कर रही हो। कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बसपा घोषित हो चुकी है कि बी टीम बीजेपी की है, ऐसा पहले आप लोग भी बता चुके हैं। मैं आपसे कहता हूं मैं किसी दल के बारे में नहीं कुछ कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे दल ऐसे हैं जो सहयोग करेंगे बीजेपी का, इसलिए आम मतदाता को हमें जागरूक रखना है, चाहे वो बीएसपी हो चाहे और कोई दल हो जो बीजेपी को मजबूत करना चाहता है। आप हर चुनाव में देख लीजिए, टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, इसीलिए हम अपने संगठन की बैठक कर रहे हैं कि बूथ स्तर पे हमें जनता समझाना है कि कई दल हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, जो हमें संविधान मिला है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, सबसे सुंदर संविधान हमें मिला है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, उसको ये खत्म करना चाहते हैं।